हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं कक्षा 11वीं का गणित का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं, जो आपका 10 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपका इस पेपर का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन बताया है, आपके पूरे सही विकल्प का हर चीज़ बताया है। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं और रिविजन के तौर पर हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक, चलिए जैसा कि आप लोग देखते हैं सब तरह रहेंगे आप लोग समझ गया सही विकल्प। ठीक, तो इन सही विकल्प को चुनकर लिखना है। जैसे पहले लगा, यदि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 10 हो तो एफ माइन 10 का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक, दूसरा लगा, यदि ए बराबर समुच्चय ए बी, बी बराबर ए बी सी है तो ए यू बी का मान होगा, तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें आ जाएगा सी। ठीक, चलिए अगला तीसरा, यदि एक्स प्लस आई वाई बराबर 2 प्लस 3 आई तब एक्स वाई का मान होगा, तो एक्स वाई का मान हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 3, ए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर लगा आप समय चौथा, ए एक्स प्लस वाई 2n के प्रसार में पदों की संख्या होगी, तो इसमें हो जाएगा भी 2n प्लस 1, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि सर लेखा y बराबर 3x प्लस 7 और y बराबर mx प्लस 2 परस्पर लंबत हैं तो हो, तो इसका आंसर हो जाएगा बोलो सामने 3m प्लस 1 0, मतलब कि आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ए का आंसर ए। फिर छठवां, संख्याओं 3 4 5 6 7 का माध्य की सापेक्ष माध्य विचलन है कितना हो जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा, मतलब कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोग इनको चाहो तो आप लोग इन प्रश्न को लगा के भी इनके आंसर निकाल सकते हो। चलिए हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की। तो बच्चों, आप लोग सामने इस प्रकार से रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनको हम लोग याद करने वाले हैं आपके साथ। चलिए, तो पहला लगा लेगा अपने सामने, यदि ए बराबर ए समुच्चय 1 2, तो ए की अतिरिक्त समुच्चय समुच्चय की संख्या होंगी, तो चलिए हमने आंसर आप लोगों के लिए लिख लिए थे, तो हम आंसर आप लोग बता देते हैं। तो पहले में आपका हो जाएगा 3, दूसरा लगा फलन एफ 2 1 3 1 4 1 5 1 का परिसर है, तो इसमें हो जाएगा आपका समुच्चय एक आ जाएगा, समुच्चय बंद हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। चलिए तीसरा लगा है 3x प्लस 2y 11 के प्रसार में पदों की संख्या, तो 12 आ जाएगी। चौथा लगा 2x प्लस 3y 5 का प्रसार 3 पदों में, तो आप लोग इस प्रकार से लिखें 3 पदों में 3x, इसमें आ जाएगा, तो पहले आप 3 लिखा 32 लिख दीजिए। ठीक, 32x 5 प्लस 24 240 लिखा। ठीक, 240x² y + 720x³ y² ये हो जाएगा। ठीक, 3 पदों में। फिर लिखा आपके सामने, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में 45 अंश का कोण बनाती है तो उस रेखा की प्रवत्ता होगी, तो होगी वह 1 हो जाएगी। ठीक, फिर लिखा आपके सामने छठवां, एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों एक साथ मिल गए एक तल बनाते हैं, उस तल को कहते हैं, तो उस तल को हम लोग एक्स वाई तल कहते हैं, ए वाला। ठीक, भर दें, दो रेखाओं के प्रवत्तक परस्पर एक दूसरे के ऋणात्मक व्युत्क्रम होते हैं, तो इसमें आ जाएगा लंबवत। ठीक, चलिए इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर सही रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों, आपके सामने है सही जोड़ी मिलाना है, तो चलिए हम लोग सही जोड़ी मिलाते हैं। सही जोड़ी किस प्रकार से मिलाना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहले तो पहला लगा आपके सामने साइन फाई एक्स, तो इसका मतलब पहले के मिला हुआ आप लोग सी वाले से, यानी साइन एक्स से। दूसरा लगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो इसके मिला हुआ आप लोग डी वाले से, tan² x। तीसरा है साइन 2 5 5 - x, तो तीसरे का मिला हुआ आप लोग ए वाले से, यानी माइनस के साइन एक्स। ठीक, चौथा लगा ई वाला, चौथे का मिला हुआ आप लोग ई से, मतलब कि cos 2 5 - x मिला हुआ cos x से। ठीक, फिर आप लोग सामने पाँचवा आई स्क्वायर का मिला हुआ आप लोग एफ वाले से, कहाँ एफ वाला ये, फिर इसका तो आप लोग सही जानते हो, इस वाले का मिला हुआ आप लोग बी वाले से, मतलब एक आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, नीचे वाले इस प्रकार से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप लोग अपने मन से भी मिला सकते हैं। चलिए एक शब्द एक वाक्य आंसर भी देख लेते हैं साथ ही। तो एक शब्द एक वाक्य आंसर आप लोग सामने इस प्रकार से होने वाले हैं। जैसा कि पहला लगा आप लोग सामने, एक फलन एफ एक्स बराबर 2x + 5 द्वारा परिभाषित हो तो एफ माइनस 3 का मान होगा, तो कितना होगा, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने माइनस के बना जाएगा। ठीक, दूसरा मूल बिंदु ओ 0 0 m एक बिंदु पी एक्स वाई के बीच कितनी दूरी है, तो √x² + y² आ जाएगा आंसर। तीसरा x + y x + 1 y - 2 = 3 1 2 x y का मान, तो x = 2 और y = 3 आ जाएगा। ठीक, चौथा देखते हैं हम लोग, चौथा लगा है लिम्प x2 cos 2x - 1 cos x1 का मान लिखिए, जिसमें आपका 4 आ जाएगा। ठीक, फिर आप लोग सामने, एक फलन एफ एक्स बराबर 2x 5 द्वारा परिभाषित तो x 7 का मान लिखाना हमको, तो इसका आ जाएगा 5 भी आ जाएगा 9। ठीक, फिर देख लो हम, फिर लगा एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, तल को क्या कहते हैं, तो एक्स वाई तल कहते हैं। फिर यदि एफ एक्स बराबर लॉन्ग ई एक्स है तो फलन का प्रांत
तो वो आ जाएगा एक और ए वाला चिन्ह आ जाएगा ऐसा, तो इस प्रकार से कोष्टम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ एक शब्द वाक्यांश हो जाते हैं। तो बच्चों मैंने तो आंसर आंसर बताए हैं, अगर आप लोग इनका लगा के आप लोग इनके आंसर निकालोगे तो काफ़ी ज़्यादा सरल लगेगा तो अच्छा भी लगेगा आपको। चलिए हम बताते हैं फिर आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप लोग सामने सत्तर सत भी देख लेते हैं हम लोग। एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर जीरो है तो इसका है तो इसका हो जाएगा गलत। फाई समस्या फाई एक एक समस्या है तो गलत। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस तीन बराबर जीरो का हल प्लस अंडर रूट थ्री वाई है तो गलत असत्य। ठीक देख सकते हो यहाँ पर असत असत असत। एक असमिका के दोनों पक्षों के में समान संख्या जुड़ी या घटाई जा सकती है तो ये सत्य हो जाएगा। पाँचवा आई यू असमी आई है तो ये भी सत्य हो जाएगा। डी बटे डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स है तो ये असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सत्य असत भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न जो दो दो नंबर में दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों का आंसर अगर आप लोग चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप लोग वहाँ पर इस पीडीएफ के माध्यम से आप लोग पूरे के पूरे आंसर प्राप्त कर सकते हो। देखो हम यहाँ पर देखा ये हमारे पास पीडीएफ है, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, 8 का, 9 का, 10 का संपूर्ण उत्तर है। जबकि मैं आप लोग पहले प्रश्न दिखा देता हूँ ताकि आप लोग प्रश्न देख के आप लोग अपने मन से भी घर पर भी लगा सकेंगे। चलिए इन प्रश्नों को देख लीजिए दो दो नंबर में। ठीक इन प्रश्नों की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक ताकि आप लोग इन प्रश्नों को देखकर अपने रजिस्टर बैंक से लगाएं ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक इन सभी को आप लोग इम्पोर्टेंट के तौर पर पढ़ें, ठीक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर होगा तो उसमें आने की संभावना रहेगी। ठीक जैसे चलिए मैं पीडीएफ डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। देखिए ये मेरा मोबाइल है तो इसमें देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल में यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करके आपको क्या सर्च करना है, एमपी बोर्ड क्लास 11। जैसे आपको फिजिक्स का करना तो फिजिक्स सर्च करना, जैसे अगर आपको पशुपालन का करना तो यहाँ पशुपालन लिख देना, अगर अर्थशास्त्र करना तो अर्थशास्त्र लिख देना। अभी मैं फिजिक्स का करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है तो एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स पेपर 2023। ठीक है जैसे मैंने लिखा फिजिक्स का यहाँ पर सर्च करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा मैं नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको देखिएगा भौतिक शास्त्र। ठीक है आपको क्या देखना है, स्टडी नोट्स pj.com ही देखना है आपको। ठीक है इसमें पीछे का लोगो लगा होगा पीले कलर का, स्टडी नोट्स pj.com लिखा होगा और यहाँ पर लिखा भी है सेट है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिएगा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम असली पेपर देखिए फिजिक्स का डला हुआ है। ठीक है असली पेपर है और फिजिक्स का ये डला हुआ है और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन डला हुआ है। जैसे आप सॉल्यूशन के बटन पे दबाएंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन होगा कि अदर जो जैसे पशुपालन हो गया या फिजिक्स के और जो सेट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो होम पे दबाना। होम पे दबाने के बाद एमपी बोर्ड क्लास 9th 11th पे दबाना तो यहाँ पे देखना वायरल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ हल करने के लिए यहाँ पे देखिए। तो आप देखिए कक्षा 11वीं के हमें सब्जेक्ट पे ढूंढना है, जैसे कि अर्थशास्त्र दिया गया तो सेट ए का अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन है, भौतिक विज्ञान का सेट ए और बी का है, तो आपको अपडेट होते जाएंगे यहीं पे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। ठीक है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहीं पे आपको यहाँ पे पशुपालन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस प्रकार से एक बार रिवीजन कर लेने की थी ताकि आप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक इस प्रकार से रोक वीडियो को आपका 20वां ये हो जाता है, 21वां 22वां और 23वां। तो इन सभी को आप लोग रिवीजन के तौर पर लगा कि आप पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस पेपर के माध्यम से हमने आपकी जो मैथ का पेपर हो रहा है तो उसकी पूरा रिवीजन करवा दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छी तरह से आशा करता हूँ आप लोगों पेपर अच्छा ही जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साल है मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।